दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों पिछले दिन मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का गार्डन का ओवरव्यू दिखाया था आपको और उस ब्लॉग को आप लोगों ने खूब सराहे और उनका ढेर सारा एरिया ऐसा था जो उस दिन मैं नहीं दिखा पाया था समय अभाव के चक्कर में, और कमेंट भी आने लग गए कि उनका पूरा गार्डन का ओवरव्यू दिखाओ। और इसी चक्कर में मैं उनके घर फिर दोबारा आ गया हूँ और आज सर एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। सर मैं आपसे दोबारा मिलने आ गया और उसका रीज़न यही था कि पहली बार जो मैं पहली कड़ी में जो मैंने आपकी बागवानी दिखाई थी वो दर्शकों को बहुत पसंद आया और काफ़ी डिमांड आने लग गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नर्सरी घर पे जो बागवानी है उसका पूरा ओवरव्यू दिखाओ, यानी कि जो छूट गया था उस दिन दिखाने से उसको फिर से दिखाओ। मैं फिर आ गया और आपसे आपके बागवानी के बारे में पता करने के लिए आ गया दिखाने के। तो आप लोगों ने जगह जगह डिवाइडर पे जो देखे होंगे प्लांट लगा हुआ है, फ्लावर प्लांट लगा हुआ है, उसका केयर करने के लिए सर ने ड्यूटी करता है और जहाँ जहाँ प्लांट की ज़रूरत होती है पानी देने की, खाद देने की, कटिंग करने की, सारा काम वो करते हैं। तो सर आपका फिर से स्वागत है। मैं फिर से सर आपका नाम आपकी जुबानी सुनना चाहूँगा। धन्यवाद झा साहब, आपका इन्वायरमेंट के प्रति स्नेह देखते हुए आप मुझसे आज पुनः मिलने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी सवाल है उसके मैं बेखूबी जवाब दूंगा जिससे कि जनता को इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हो सके। जी जी सर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि मैंने सुना है डिवाइडर पे तो आपने पूरे रुद्रपुर शहर में पेड़ पौधे लगाए हैं, मैंने पिछले ब्लॉक में भी बोला था इस बात को, और उसको केयर करने के लिए आपने दो बंदे लगा रखे हैं जो डेली आता है और उस प्लांट का केयर करता है, क्या यह हकीकत है? ये बिल्कुल सही है। जब से मैंने ये काम शुरू किया तो अकेला ये काम करना संभव नहीं था क्योंकि तो डिवाइडर कॉन्क्रीट के बने हुए थे, उसमें हमको होल करने थे। लोगों की ये भावना थी कि ये कंक्रीट के जो डिवाइडर हैं इसमें पेड़ नहीं हो सकते, और मैंने ये ठान लिया था तो मैं इसमें पेड़ उगा के दिखाऊंगा। मुझे इसमें कई साल लग गए, अब उसमें हर तरह के चांदनी और ये पेड़ हुए, कई साल तो मुझे इस बात में लग गए कि कौन सा पेड़ आवारा पशु नहीं खाते। फिर मैंने धीरे धीरे ये पता लगा लिया कि अगर ये पेड़ लगाए जाएँ तो आवारा पशुओं से इसे हम बचा सकते हैं। तो ये जो मिशन है ये अब एक अपनी नई मंजिल पे पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। सामाजिक चेतना भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोग हमसे मिलने आते हैं, हमारी महत्वाकांक्षाओं को पहुंचना आते हैं, हमारे मिशन क्या है उसको पूछते हैं, हम कहां तक जा सकते हैं वो पूछते हैं, फंडिंग कहां से आती है और आप व्यक्तिगत क्यों करते हो ये पूछते हैं। तो हर बात का मैं बेवकूफ़ी से उनको जवाब देता हूं कि अगर मन में ये एक आपके मन में ये जुनून है तो ये सब कुछ आपको आर्थिक जो पहलू है छोड़ना पड़ेगा और आप इस मिशन को करने में तभी कामयाब हो सकेंगे। अच्छा, तो आप इस अभी जिक्र कर रहे थे कि आपको कहीं ना कहीं से फंडिंग का भी सवाल पूछा जाता है, तो फंडिंग का सवाल का आपका जवाब क्या होता है? क्या आपको फंडिंग कहीं से मिलता है, किसी संस्था से? लोग कई बार कहते हैं कि सरकारी पैसा मिलता होगा, पास तो थोड़ी करते हैं। तो अब धीरे धीरे शहर में लोगों को ये पता चल गया कि जो पैसा दे के भी देख लिया तो हमने जब पैसा नहीं स्वीकारा तो अब ये पूरे शहर में मैसेज गया कि वो पैसा पूछा किसी से लेते नहीं, जो करते हैं वो व्यक्तिगत खर्च से ही करते हैं। ऐसे लोकेशन पे हम दोनों आ गए हैं जहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आप मुझे बता रहे थे कि ये सब पेड़ पौधे मैं सरकारी दफ्तर में बांटता हूँ, तो इसको यदि आप बता सके पूरा डिटेल से अपने दर्शकों को। मैं प्रतिवर्ष लगभग 500 गमले शोभादार पेड़ लगा के, ऑर्नामेंटल प्लांट लगा के, सीजनल प्लांट लगा के सरकारी विभागों में 20 से 30 गमले प्रति विभाग देता हूँ। उसके पीछे मेरी मंशा ये होती है कि सरकार के को देने से सामाजिक चेतना जागृत होती है। लेकिन अफसोस है, पिछले साल मैं
लंबे टाइम तक विदेश रहा, जिस वजह से मैं मेरे पास प्लांट होते हुए भी मैं उनको नहीं लगा पाया। नहीं तो 31 अगस्त परसों है तो मैं ये पेड़ बांट सकता था, लेकिन इस साल शायद ये मेरा मिशन कुछ लेट हो जाएगा। तो जनवरी 15 या 20 तारीख तक ये गमले तैयार करके फिर पुनः अभिभावकों को बांट दिए जाएंगे। इसके पीछे बस एक ही भावना है, सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना आएगी तब लोग पर्यावरण को समझेंगे, इसके बिना पर्यावरण समझ में नहीं आएगा। तो आइए मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा दूं उन्हीं प्लांट्स का जो इन्होंने बांटने तो है लेकिन थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। जैसे सर बता रहे थे कि आप सर किस डेट तक बांटते थे ये पेड़ पौधे? 31 दिसंबर लास्ट डेट, एक ही दिन में बांटते सारे। अच्छा, 31 दिसंबर लास्ट डेट, नए साल से एक दिन पहले। वो गाड़ी में लेके जाते हैं और दफ्तर गाड़ी में जाते हैं, दफ्तर में जाकर बांटाते हैं। अच्छा, ये दफ्तर कौन सा होगा बता दीजिए जरा। डीएम साहब का, कप्तान साहब का, पुलिस कमिश्नर का, इधर से आपका कोतवाल साहब का हो गया, कोतवाली हो गई, नगर निगम हो गया, मेडिकल एसोसिएशन वालों का हो गया, कोर्ट हो गया, जहाँ भी हैं वहाँ गमले बांटते थे हम। अच्छा सर, एक बार चलते हैं आपके साथ इन पौधों को भी देख लेते हैं जो आप बांटने के लिए रख रखे हैं। ये कलंचू, ये पौधे हैं, इससे 20 से 30 गमले बन जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कलंचू इसके अनेक बन जाता है। टहनियाँ हैं, जरबेरा से 10 पेड़ बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरबेरा का ये रेड वैरायटी है। हाँ, आइए डिवाइडर पे जो नुकसान करेंगे लोग, जी जी, उसमें उसको फिलिंग करने के लिए चांदनी के पेड़ हैं। अच्छा, ये चांदनी के पेड़ वहाँ चले जाएंगे सारे। ये वही स्टॉक है जो रोड पे डिवाइडर पे डिवाइडर खराब हो जाता है। ये देखिए सैकड़ों की संख्या में पेड़ पड़े हैं, ये पेड़ ये गमलों में लग जाएंगे और चले जाएंगे। ये लेमन ग्रास है, ये 50 गमले बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मोटे मोटे पौधे लग रहे हैं मुझे, ये बोगनवेलिया का पौधा है। बोगनवेलिया का ये आपके चौथी मंजिल में लगा हुआ है। और कितने साल से है सर ये आपके? ये 10 साल हो गया होगा। 10 साल से पौधा आपके पास? हाँ, ये चौथी मंजिल पे है। चौथी मंजिल पे आपने पूरा घना जंगल बसा रखे है सर। है जी, ये जो क्यारी टाइप का बना है सर, ये केवल पेड़ के पर्पज से ही आप बनवाए होंगे? खाली पेड़ों के पर्पज से। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट पड़ी हुई है, नीम की खली पड़ी हुई है यहाँ ढेर सारी। तो ये सब आप खरीद के यहाँ पे स्टॉक कर रखे हैं? वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली, ये सब पड़ी है, इसे सब पेड़ों में पड़ेगी। लाखों रुपए का हिसाब किताब होता है। आप बता ही रहे हो। अब ये है, अब ये देखिए इधर, ये देखिए ये मेरे अब्सेंस में ये पन्नी सब केयर टेकर नहीं देख पाए, पेड़ सूख गए इसके। इसलिए लगा तो रखे थे लेकिन केयर नहीं कर पाए। हाँ, केयर नहीं लोग कर पाए। ये है, इससे भी हम पेड़ बना लेंगे बहुत सारे, लेकिन अभी टाइम लगेगा। जी जी जी, अभी शुरुआत भी नहीं हुआ इस मिशन का इस साल। हाँ, अक्सर आप 31 तक लेट से लेट बांट देते दिया करते थे हर साल। एक डेट फिक्स थी, एक ही डेट में बांटते थे सारे। अच्छा, एक ही दिन मिशन पे निकलते थे और सभी सरकारी दफ्तर में बांट के आ जाते नए साल में। जी जी, उनका स्वागत इसी तरीके से करते थे। अच्छा, लोग गुलदस्ते देते हैं, गिफ्ट देते हैं, हम पेड़ पौधे देते हैं नए साल से एक दिन पहले। तो सर, आपके ये चौथी मंजिल का भी गार्डन हमने दर्शकों को दिखा दिया, जल्दी जल्दी इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा है और एक एक करके यदि दिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ओवरव्यू मैं दिखा पा रहा हूँ। यदि डिमांड आया तो फिर अलग से कभी आके सर एक एक पौधे का मैं डिटेल्स आपसे लूंगा। फिलहाल के लिए आपने जो आंगन में लगा रखे हैं सर पौधे, उसको भी यदि दर्शकों को दिखा सके तो। तो दोस्तों, अब हम लोग तीसरी मंजिल पे आ गए हैं जहाँ पे सर ने बहुत अच्छी बागवानी कर रखे हैं। और यहाँ की जटिलता देखिए, ये देखिए यहाँ से नीचे उतर के जाना कितना मुश्किल होगा, उसके बावजूद भी ये सारे प्लांट कैसे लहलहा रहे हैं। देखिए, कोई भी इनके घर का हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे प्लांट नहीं लगा है। ये दीवानगी नहीं है, ये वानगी नहीं है, ये जुनून नहीं है, तो क्या है आप ही बताइए। यहाँ पे जो सर बाल्टी रखा हुआ है, आपका बहुत बड़ा बड़ा प्लांट मुझे दिख रहा है। ये प्लांट आपने कनस्तर में लगा रखे हैं, ड्रम में लगा रखे हैं। ये कितने साल पुराना पौधा होगा सर? 2 साल पुराना। 2 साल पुराना, बहुत खूब। जहाँ नजर जा रही है वही प्लांट लगा है यहाँ पे। देखिए, मुझे लगता है लोग पर्यावरण बचाने के लिए जितना ऑक्सीजन लेते हैं उस हिसाब के पौधे भी नहीं लगा पाते हैं आजकल के दौर में। और आप हैं कि इतना प्लांट लगा दिए, आपकी फैमिली तो क्या, आसपास के सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आपके घर से ही प्रोडक्शन हो रहा है सर। इन्वायरमेंट के प्रति इतना दीवानगी, इतना जुनून
इनके पास है, डॉक्टर मनमोहन सर के पास, कि इन्होंने घर के सामने जो दुकान है ना उसको किसी और को ना देके एक ऐसे शख्स को दिए हैं जो ये उस पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज ही रखे हुए हैं। देखिए सोलर इनोवेशन करके ये है और ये इनकी मकान के ठीक सटे हुए पार्ट्स में है। यहाँ पे यदि आपको सोलर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या सोलर आप लगाने चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं, ताकि इन्वायरमेंट के प्रति आप जितना दोहन हो रहा है ना उसको बचाने में थोड़ा सा भी मदद मिलेंगे तो सर को अच्छा लगेगा। यही वजह है कि मैं गार्डन को छोड़ के अभी इनके दुकान के पास आ गया। सर ये दुकान कितने साल से है आपके पास? लगभग हमें 3 से 4 साल हो चुके हैं। 4 साल से? 3 से 4 साल हो गए। अच्छा अच्छा जी, तो 3 से 4 साल हो चुके हैं सर। यदि आप छोटा सा झलक बता सके कि एक छोटा फैमिली के लिए यदि सोलर हम लगाना चाहे जी तो कितने बजट में लग जाएगा? मोटा मोटा 65 से 70 हज़ार में लग जाता है। 1 किलोवाट का सिस्टम बैटरी के साथ लग जाएगा 70,000 में। 70,000। और गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी ऐसा कुछ है क्या? सर यहाँ फोकस ये देखिए, ये गवर्नमेंट से एक सब्सिडी प्रोग्राम चला है। जी जी, ये मैं इस बोर्ड के माध्यम से आपको एक हाईलाइट दिखा देता हूँ। जी जी, इसमें क्या है कि आपका बिल 0 हो जाएगा और प्लांट लगाने पे सरकार आपको सब्सिडी भी देगी जी, और जो यूनिट आप सरकार को दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में पेमेंट भी करेगी। अच्छा, तो जी बिल 0 हो जाएगा का क्या मतलब है? बिल 0 होने का मतलब ये है कि अब आप प्लांट से जो बिजली पैदा करेंगे जी जी वो एडजस्ट होने के बाद आपका बिल 0 हो जाएगा। आपका एक ही चीज आएगी जो है मीटर का बिल। जी जी, यानी जो फिक्स चार्जेस होते हैं वही आएंगे 150-200 रुपए के हिसाब से। अच्छा, बाकी सब बिल आपका 0 हो जाएगा 25 साल के लिए। अच्छा, तो 1 किलोवाट का खर्चा आप कह रहे हैं 70,000 रुपए के आसपास आएगा? हाँ, बहुत ज्यादा से ज्यादा 70 मान लीजिए आप। और इसको क्या फाइनेंस में भी हम ले सकते हैं क्या, किस्त में भी ले सकते हैं क्या? इसको 2-3 एजेंसी है जिससे हमारी बात चल रही है अभी। जी जी, तो देखिए क्या होता है। अच्छा, अभी फिलहाल ऐसा कोई ऑप्शन है? फिलहाल तो अभी नहीं है क्योंकि लेकिन हो सकता है क्योंकि कॉस्टिंग इसकी कम है तो इस वजह से बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां तो नहीं कर रही, बट हम देख रहे हैं, कुछ एक माध्यम देख रहे हैं। जी जी सर, चूंकि आप भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि किसी दिन आकर डिटेल्स में इस बारे में आपसे पता करूं। जी जी बिल्कुल सर, आज के लिए बस मुझे गार्डन दिखाना है तो मैं और गार्डन की तरफ। बिल्कुल, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं मैं। मैं आपका आभारी हूं, ताकि जनता को ये पता चल गया कि आप 70,000 रुपए यदि खर्चा कर दें तो बिजली का बिल 0 हो जाएगा। और ये कितने साल के लिए चलेगा सर? 25 साल का सिस्टम है, 25 साल की वारंटी है आपकी। जी जी, और तो बैटरी कितने साल चल जाएगा सर? बैटरी 5 साल 6 साल अपने हिसाब से है, जैसा 6 साल चल जाएगा। कम से कम बहुत खूब सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। देखिए कितने ऊंचे ऊंचे तक सर ने बागवानी करी है। कोई भी ऐसा एरिया नहीं जहाँ आपको गमले नहीं मिलेंगे। सर इतने ऊंचे गमलों में पानी क्या पाइप से ही डालते होंगे? पानी पाइप से पड़ता है, पाइप से ही पड़ता हर है। हर फ्लोर में पाइप है, हर फ्लोर पे पाइप है और हर फ्लोर पे आप खुद पानी डालते हैं? खुद पानी डालते हैं। बहुत खूब, ये बहुत खूब। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इनकी दीवानगी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता सब देख लिए होंगे। पता चल गया होगा कि अपने शहर में कोई ऐसा शख्स भी है जो जिसका जुनून पर्यावरण को संरक्षण करने का एक ही मकसद है, ना दिखावा ना कुछ। आपने पेपर में पढ़े जरूर होंगे लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इंटरव्यू या इतना ज़्यादा टाइम तक इन्होंने कैमरे पर कभी बैठ दिए होंगे और आप लोगों ने देखे होंगे। मेरा यह खुशनसीबी है कि सर के साथ मेरी बात हुई है। मैं इस चीज़ को कभी भूलूंगा नहीं कि सर ने मेरा साथ दिए थे और एक ही बार इनसे रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने हाँ बोले थे कि आके आप देख सकते हो, बना सकते हो वीडियो। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत उम्मीद है पब्लिक को आपका इंटरव्यू आपके प्रति जानने को बहुत कुछ मिला होगा। तो दोस्तों यदि आप इस ब्लॉग को देख के ज़रा सा भी खुशी हुआ तो मेरे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं भी घर से दूर ऐसे पता करके लोगों के पास तक पहुंचता हूं और उनका पर्यावरण के प्रति क्या नज़रिया है ये आप तक घर बैठे आपको पहुंचाता हूं। तो दोस्तों सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके इस प्रयास से अगर लोगों की सोच सार्थक होती है तो मैं समझता हूं कि ये हमारे मिशन को अच्छी डायरेक्शन में ले जाने के लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में नई किसी लोकेशन पे। तब तक मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों।